सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए ये यूपिन से कुछ बनाने के लिए लेकर आई हूँ। तो इस सबसे पहले हमें यूपिन चलाना सीखना है। अगर हम कुछ बनाते हैं कोई नई चीज़, तो हमें यूपिन चलाना भी तो आना चाहिए। उसके बाद हम यूपिन से कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे हम तोरण बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं, थालपोस बना सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं यूपिन से हम। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूपिन चलाना सीखेंगे किस तरह से हमें यूपिन चलाना है। यूपिन देखिए मैंने कुछ इस तरह का लिया हुआ है। ये मेरा 5 नंबर का यूपिन है और इसके साथ मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया हुआ है। देखिए बूल आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, यूपिन बड़ा छोटा भी होता है। ये 5 नंबर का है। तो फ्रेंड किस तरह से हम इसको बनाएंगे, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपनी बूल को इस तरह से लेंगे और इसमें यूपिन में से हम ऐसे ऐसे निकालेंगे और इसमें नॉट लगाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसमें नॉट लगाएंगे 1 और एक और लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, खुले नहीं, और ये 2। देखिएगा हमने इस तरीके से इसमें नॉट लगाई हुई है। देखिए फ्रेंड्स नॉट लगाने के बाद ये धागा हम क्या करेंगे, पीछे की साइड रखेंगे, ये वाला यूपिन को इस तरह से घुमाएंगे और ये नॉट वाला धागा हमारे पास पीछे की साइड है, इसको हम अपनी फिंगर में लपेटेंगे इस तरीके से। देखिए और इसको यहाँ से लेके ऐसे इसको हम घुमाएंगे ऐसे। फिर हम अपना क्रोशिया लेंगे, देखिए क्रोशिया को हम इस तरीके से नीचे से निकालेंगे और ये अपना धागा लेंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से। फिर हम इस धागा को यहीं छोड़ देंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे। इस तरह से हमारा एक ये फंदा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देंगे, इस तरीके से क्रोशिया अपने निकालेंगे, यूपिन को ऐसे घुमाएंगे, धागा लपेटेंगे अपनी फिंगर में और ये अपना हुक में डालेंगे इस तरीके से। और ये हमारे पास 2 हैं, ये 2 धागे हैं हमारे पास, इसके नीचे से हम निकालेंगे, फिर से हम इस तरीके से लेंगे, ये हमारे पास 2 फंदे हैं, इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। देखिए फिर से हम इसको घुमाएंगे इस तरीके से, क्रोशिया को हम यहीं पे छोड़ देंगे, निकाल के ऐसे घुमाएंगे और फिर से हम यहाँ से अपना हुक डालेंगे और ये 2 फंदे 2, ये हमारे पास ये 2-2 धागे इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। तो हम अपना धागा इस तरह से इसमें से निकालेंगे क्रोशिया और यहाँ से लेंगे ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से हम अपना ये फंदा यहीं छोड़ देंगे, एक बार वो अपना यूपिन इस तरह से घुमाएंगे, फिर से हम अपना धागा इसमें लेंगे और ये देखिए ये 2 हमारे पास फिर से ये धागे आ चुके हैं, इसके नीचे से हम अपना क्रोशिया निकालेंगे और ये वाला धागा इस तरीके से लेंगे। हमारे पास ये डबल क्रोशिया रहेगा, ये वाला 2 फंदे रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, इस तरह से हम इसको निकाल देंगे, फिर से हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इस तरीके से अपना ये यूपिन घुमाएंगे, अपना धागा इसमें डालेंगे और यहाँ से देखिए ये 2 फंदे फिर 2 धागे फिर से आ चुके हैं, देखिएगा। तो हम इसके नीचे से अपना क्रोशिया निकालेंगे, और ये फंदा इस तरीके से हम ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स जब हम पीछे की साइड आएंगे इसके रॉन्ग साइड में, तो हमें इस तरह से 2 फंदे अपने जो हमें बनाने हैं इस तरह से 2 धागे हमें इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। तो हम इसके नीचे से अपना क्रोशिया निकालेंगे, देखिए ये इसके नीचे से हमें अपना क्रोशिया निकालना है और ये वाला जो धागा है इसको अब ये बुक पर चढ़ाएंगे इस तरीके से ऐसे, फिर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे इस तरीके से।
तो ये हमारी चेन आएगी बीच की, और ये इस तरफ हमारी डिज़ाइन आ रही है। फिर से हम इसको यहीं क्रोशिया को अपना ये फंदा हम ऐसे छोड़ देंगे, क्रोशिया निकाल लेंगे और यू पिन को घुमाएंगे ऐसे इस तरीके से। तो देखिए दो फंदे, ये दो धागे हमारे फिर से आ चुके हैं। तो ये दो धागे हैं जो अपने आप दिखाई देने लग जाते हैं, हमें इसके नीचे से अपना क्रोशिया निकालना है। ये दो धागों के नीचे से हमें अपना क्रोशिया निकालना है। फिर इस तरीके से जो हमारे ये धागा है पीछे से जो हमारी फिंगर पर लपेटा हुआ है, इसको लेंगे हम हुक में और ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया अपनी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें पूरा अपने बनाकर, जितनी भी बड़ी आपको ये बनाना है यू पिन का, तो उतने बड़ी आप इसको बना सकते हैं। आप इसे झालर, जैकेट बच्चों के लिए, या कोई नई चीज़ भी, आप काफ़ी चीज़ें इससे बना सकते हैं जो बहुत ही ईजीली है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है जब हम अंटा लगाते हैं तो ये दो धागे अपने आप दिखाई देने लग जाते हैं। देखिए ये इसके नीचे से हम अपना क्रोशिया लेंगे इस तरीके से ऐसे, और फिर जो हमारी फिंगर पर धागा लपेटा हुआ है उसको अपने हुक पर चढ़ाएंगे ऐसे। फिर ये हमारे पास दो फंदे आ चुके हैं, तो इनको फिर से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे और ये दोनों फंदे हम इस तरीके से निकाल देंगे। इस तरीके से ये हमारे बीच की चैन आना शुरू हो जाएगी। और फिर से जब हम अंटा लगाते हैं तो हम अपना क्रोशिया निकाल लेते हैं फंदे में से ऐसे, और ये अंटा हमने लगाया, ये देखिए अपना यू पिन घुमाया हमने, और फिर से हमने ये क्रोशिया में अपना डाला फंदा, और ये दो धागे हमारे पास आ चुके हैं। इसमें से हम अपना क्रोशिया निकालेंगे, देखिएगा ये दो धागे हमारे पास हैं, इनके नीचे से फिर से हम अपना हुक डालेंगे और ये वाला फिंगर वाला फंदा हम इस तरीके से लेंगे। इसी तरह से हम सारा बना के कंप्लीट कर लेंगे, जितना भी बड़ा आपको बनाना है उस तरीके से हम इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। जब ये हमारी बढ़ती जाएगी, ये पूरा ऊपर से हमारा भर जाएगा, तो ये हमारी बढ़ती जाएगी तो हम इसको नीचे की साइड से इस तरह से निकालते जाएंगे। ये जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है इसको हटा देंगे और यहाँ से हम अपनी नीचे की साइड से निकालते जाएंगे। आपको जितना भी बड़ा थालपोश बनाना है या तोरण बनानी है या जैकेट के लिए आपको बनाना है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर बना सकती हैं। नीचे से हम इसको, इसका जो ये जॉइंट लगा हुआ है इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे, ये निकल भी जाता है इस तरीके से। और बस इसको फिर हम जितना भी बड़ा बनाते हैं तो हम इसको इस तरह नीचे की साइड से हम इसको निकालते जाते हैं, ऊपर की साइड से हम बनाते जाते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको बनाना समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से इसको बनाना है। एक बार और देख लीजिएगा, जब हम क्रोशिया घुमाते हैं उससे पहले हम अपनी हुक में से ये फंदा निकाल देते हैं इस तरीके से, फिर अपना क्रोशिया, अपना यू पिन इस तरह से घुमाएंगे। देखिए फिर हम ये फंदे को ले लेंगे, घुमाने के बाद हम ये फंदा लेंगे और ये दो धागे हमारे हैं जो आ चुके हैं इस तरीके से, इनको हम हुक से निकालेंगे नीचे से ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हमारा चैन है जो बीच सेंटर में आना चाहिए। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मेरा पूरा यू पिन फिल हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको यू पिन चलाना आ चुका होगा। और अगर नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो फिर से बना सकती हूँ। और अगली वीडियो में हम फिर यू पिन के डिज़ाइन के साथ मिलेंगे, जो मैं कई तरह की डिज़ाइन आपको बताने जा रही हूँ। इसे हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई थालपोश बना सकते हैं हम, इससे हम तोरण बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं, आप इससे काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं यू पिन की हेल्प से। तो फ्रेंड, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं न्यू डिज़ाइन यू पिन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।